गार्ड प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। हेलो एवरीवन, तो आप लोग का स्वागत है एक और वीडियो में। आप देख रहे हैं वंडर साई। इसे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि कैसे मैं त्रिची पहुंचा और त्रिची से NIT त्रिची तक गया। अब आपको दिखाते हैं NIT त्रिची जो है अंदर से कैसा दिखता है, और बाकी आपको कुछ फैकल्टीज वगैरह भी दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ आपको हॉस्टल दिखाने वाले हैं और NIT त्रिची का कैंपस टूर कराने वाले। तो चलिए चलते हैं NIT त्रिची। इस तरह का व्यू है और अभी हम NIT त्रिची के हॉस्टल में जा रहे हैं। ये भैया हॉस्टल में रहते हैं, रवीने के पास जा रहे हैं हॉस्टल में। इधर का ये ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है NIT त्रिची में साइकिलिंग करना। अभी मस्त चारों तरफ इधर से इधर का व्यू कुछ इस तरह का है। अभी हम बॉयज हॉस्टल की ओर जा रहे हैं। मेन गेट से काफ़ी अंदर में हॉस्टल मिलते हैं। ये साइकिल लेकर आए थे और अभी हम अंदर जाएंगे, देखते हैं अभी कितना है। तो अभी हम आ चुके हैं NIT त्रिची के हॉस्टल में। ये है NIT त्रिची का हॉस्टल और आपको रूम में दिखाते हैं। अंदर का व्यू जो है कुछ इस तरह का है। एक रूम में दो बच्चे रहते हैं, दो बेड, दो कवर, दो टेबल, दो चेयर, हर चीज़ रूम में दिया जाता है। साथ ही साथ फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह का रूम आप देख सकते हैं। ये है NIT त्रिची का बॉयज़ हॉस्टल का रूम, कुछ इस तरह का है। अभी हम जा रहे हैं मेस में नाश्ता करने। हॉस्टल से मेस थोड़ा दूर है। मेस में जाने के लिए यहाँ पे भी कार्ड मिलते हैं, तो भैया ने कार्ड दिया, तो कार्ड अभी पॉकेट में रखे हैं। किसी दूसरे भैया का लेकर दिए, मतलब जो आज नाश्ता करने नहीं जाएंगे तो उनका कार्ड लेकर मैं जा रहा हूँ। ये मेस है महाभोजनालय मेगा में। मेस से आने के बाद अभी हम निकले हैं NIT त्रिची का कैंपस टूर पे। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल, मतलब अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स के अलग अलग हॉस्टल रहता है, फिर अलग अलग मेस है। ये भी मतलब एक मेस ही है। अभी हम NIT त्रिची को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई मेस का भी, यहाँ का मेस का भी काफ़ी सही है भाई। इतना चीज़ था खाने को, मैं तो पूरा खा भी नहीं पाया था। सिंपल डोसा था, फिर और भी उसके साथ क्या क्या था उसका नाम मुझे नहीं पता। यदि आप नॉन वेज खाते हो तो आपके लिए, अंडा नहीं खाते हैं तो केला था, फिर ब्रेड था, दूध था, चाय था, और क्या कॉफ़ी, और भी काफ़ी चीज़ें थी, स्नैक्स, फिर स्प्राउटेड, वो क्या बोलते हैं यार, चना वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें थी। काफ़ी सही नाश्ता था और भाई लगता ही था शायद क्लास वगैरह चलता है। और यून मेरी नाम है शायद, और यून ऑफिस अंदर बहुत बेकार है भाई, या होटल है या ऑफिस है, यही लगेगा। हाँ देख के तो यही लग रहा है। गार्ड भगाएगा दो लात मार के। काफी मस्त बिल्डिंग है भाई साहब। ये है यहाँ का ऑडिटोरियम भाई साहब, काफी बड़ा है। भैया बता रहे कि इसमें 25-30 हज़ार लोगों का कैपेसिटी है, से भी ज़्यादा। इस बिल्डिंग में इसमें लैब चलता है, फर्स्ट ईयर वालों का लैब है ये। चल देखते हैं इसके फ्रंट की तरफ चलते हैं। ये तो मतलब बैक साइड है। इसमें भी, इस बिल्डिंग में, इसमें ओजस, यह है ओजस बिल्डिंग। यहाँ पे टीचर का ऑफिस है और फर्स्ट ईयर वालों का लैब चलता है। ये फ्रंट की तरफ से उधर लिखा भी हुआ है ओजस।
आर्किटेक्चर का ये किस चीज़ का है? ये भाई NIT 3G का खूबसूरती, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेड़ पौधे और सही ढंग से सबको व्यवस्थित तरीके से लगाया गया और बिल्डिंग इधर के काफ़ी तगड़ा है। और भाई आसपास आपको काफ़ी मोड़ दिखेंगे, जंगल भी है मतलब साइड साइड में उधर, तो उधर झाड़ी में आपको मोड़ दिख जाएंगे, काफ़ी मतलब हरियाली है, काफ़ी पेड़ पौधे, काफ़ी व्यवस्थित ढंग से। ये साइकिलिंग के लिए आई थिंक, और उधर रोड है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ गए है ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और इधर से हम एंट्री लिए थे। डिपार्टमेंट्स हैं सब, यहाँ भी कम से कम फुटफॉल, मतलब कम से कम 500-600 लोग आते हैं। कॉलेज में लोग इसी के लिए आते हैं, प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। प्रशिक्षण एवं नियोजन, अभी एक बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, हम लोग फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं यहाँ पे। सब के सब हाई स्पीड, हाई मॉडर्नाइज, समझ सकते हो कि जो मॉडर्न सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप चल रहा है, हाँ बेस्ट पीसी चल रहा है। इसमें है सुपर कंप्यूटर थर्ड आई। गेट से क्रॉस करेगा, हाँ लड़की नहीं जला। अच्छा बास्केटबॉल ग्राउंड पे साइकिलिंग करते हुए। अच्छा ये But if I lay down and I play down.